गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th का जो नेक्स्ट चैप्टर, उसी चैप्टर का जो आगे का जो पैराग्राफ है उसको हम देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। व्हाट इज़ द मैन्योर, व्हाट इज़ द फर्टिलाइजर्स, इन दोनों में हम डिफरेंस को समझेंगे। देखो मैन्योर क्या, मैन्योर हम आपको पहले कुछ लेक्चरों में आपको बता चुके हैं। मैन्योर मींस होता है जो गोबर की खाद, और फर्टिलाइज़र क्या होता है, जो हम आप रासायनिक रूप से कृत्रिम तरीके से बनी हुई होती है, उसको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब हम दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, मैन्योर में मेड नेचुरली फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से किससे बनी होती है, प्लांट एंड पौधे और जानवरों के वेस्ट से, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो, उस पर जो बैक्टीरिया जो जीवाणु उस पर कार्य करते हैं उसके माध्यम से बनती है। और यही हम फर्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे फर्टिलाइजर्स का, मेड आर्टिफिशियली फ्रॉम केमिकल्स, ये आई कृत्रिम तरीके से बनी हुई होती है रासायनिक तरीके से। नंबर सेकेंड है हमारा बायोडिग्रेडेबल, और फर्टिलाइजर्स में नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जैसे जो प्लांट्स का वेस्ट होता है, जो एनिमल का वेस्ट होता है, ये प्रकृति में क्षरण होता रहे। जैसे आपने देखा है कि गोबर आपने काफ़ी मात्रा में डाल दिया जानवर का, या आपने कई प्लांट्स की पत्तियाँ हैं, कुछ पत्तियाँ हैं उसके डंठल ने डाल दी, तो ये कुछ समय बाद सड़ करके ख़त्म होने लगते हैं, छीड़ होने लगते हैं। जबकि ऐसा फर्टिलाइज़र के साथ नहीं होता है। अब नंबर थर्ड क्या है, बल्की एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। तो बल्की ये बड़े मात्रा में और इनको डिफ़िकल्ट कठिन होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। आपने देखा हो आपके पिताजी जो आपके घर से वेस्टेज निकलता है, जब उसको खेतों में डालने जाते हैं, जो जानवरों का वेस्टेज होता है उसको डालने जाते हैं, तो एक बड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली वगैरह में ले जाते हैं। और यही आप देखेंगे इसमें फर्टिलाइजर्स में, लाइट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये हल्का और बहुत ही सरल ट्रांसपोर्ट में होता है। आपने देखा आपके पिताजी का एक साइकिल पर रख के एक बोरी नाइट्रोजन की, एक बोरी ये DAP वगैरह की लेके आगे डाल दी आराम से। तो यही अंतर है, मैन्योर कैसा है, बल्की एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, एंड फर्टिलाइजर लाइट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। फोर्थ है नॉट एन एक्यूरेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस, इसमें कोई एक्यूरेट एकदम क्लियर सोर्स नहीं होता है, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशंस हैं, इसमें क्या क्या पोषक तत्व हैं। अब इसमें फर्टिलाइजर्स में क्या है, ये कृत्रिम तरीके से बनी हुई होती है, एन एक्यूरेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस, इसमें एक्यूरेट सोर्स होता है कि इसमें इतना फास्फोरस है, इसमें इतना नाइट्रोजन है, इसमें इतना पोटास है, ये सारे इसमें एक्यूरेट होते हैं। नंबर फाइव, कॉजेज नो हार्म टू एक्वाटिक लाइफ एज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मैन्योर होता है, ये जो अपनी एक्वाटिक जो जली लाइफ है, जो जल है उससे संबंधित इसमें कोई हार्म नहीं होता है इसकी वजह से। जबकि फर्टिलाइजर्स में एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन वाटर बॉडी मे कॉज फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो इसमें ये कहा गया है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर बॉडीज में को हार्म करते हैं। जैसे पता चला कि जहाँ पे आप ये खाद वगैरह कृत्रिम खाद डाल रहे हैं ज़्यादा, तो उसका जो पानी है ज़्यादा जा रहा है, मान के चलिए झील में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, या कहीं किसी बड़ी वाटर बॉडीज में या किसी छोटी वाटर बॉडीज में जा रहा है, तो वहाँ पे ये वहाँ के जानवरों को वहाँ का जो पीने का पानी या नीचे जो पानी के स्रोत होते हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। और इसमें एक वर्ड आया है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जैसे तालाब में क्या है, सारा ये गंदा पानी जाता रहता है, तो इसमें यूट्रोफिकेशन की एक ऐसी क्रिया होती है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट आएगी। और आप उसमें देखेंगे जा करके कि जो आप उसमें ग्रीन ग्रीन जो काई सी जम जाती है उसको आप देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा जो वो अन्य जानवरों के लिए नुकसानदायक हो जाती है उसी को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं।
नंबर सिक्स हमारा डज नो कॉज पॉल्यूशन ऑफ सॉइल एज इट द डेराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। यह जो ये पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है मैन्योर, क्योंकि इस जिससे ये ऑर्गेनिक मैटर से ये प्राप्त होती है और यह जाके सॉइल को ख़राब नहीं करती है। जबकि यही फर्टिलाइज़र में क्या होता है, ओवर यूज, जब आप इसका अधिक प्रयोग करेंगे कैन बर्न द प्लांट्स, ये पौधों को जला सकती है एंड डिस्टॉर्ट सॉइल फर्टिलिटी, और उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कम कर देती है बाई मेकिंग इट टू एसिडिक और टू बेसिक। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ज़्यादा मिलाएंगे तो ये अम्ली हो जाएगी, ज़मीन को अन उर्वर बना देगी। तो यही अंतर है। तो आपने इसमें क्या देखा, हमें अपने खान पान अपने नेचर को बचाने के लिए मैन्योर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का वैसे हमें मैन्योर का करना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो हम फर्टिलाइजर्स का भी यूज करें, लेकिन वह एक उचित मात्रा में, ना कि उसका हम अंधाधुंध प्रयोग करें। इसी के साथ ही क्लास 8 का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।